हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका यूपी पीजीटी का रिजल्ट आउट हो चुका है। और यदि उन सभी सब्जेक्ट जो कि 12 सब्जेक्ट के रिजल्ट आउट हुए हैं, उन सभी को हम एनालाइज करें तो हम ये देखेंगे हर सब्जेक्ट में 4-5 F दिए हुए हैं। मतलब कुछ के ऑप्शन जैसे कि ऑप्शन A, B, C, D ये न देकर इनमें से कोई सा भी आंसर न मानते हुए उनका क्या दिया गया है, एफ। बोले तो फाल्स या फॉल्ट। तो क्या होता है ये एफ, ये तो पता चल गया आपको कि अगर आप ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि दो दो आंसर दिए होते हैं तब भी आयोग इसे फॉल्ट कर देता है, और या 3 दिए होते हैं या उनमें से एक भी नहीं होता है, तो ऐसे आंसर को जो है या ऐसा क्वेश्चन चला जाता है आपका एफ में। तो वही ऑप्शन के आगे एफ लगा होता है। तो हर सब्जेक्ट में बहुत सारे या 4 या 5 F तक हैं। जैसे कि इंग्लिश का था आपका पीजीटी का, उसमें 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऑप्शन एफ दिए हुए हैं। तो मैं आज की वीडियो में ये बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आपका टीजीटी का जो रिजल्ट है वो अभी आने में थोड़ा समय लग रहा है। वैसे कह नहीं सकते हैं इस महीने आ जाए, लेकिन इस महीने बहुत मुश्किल है। जहाँ तक है वही 10 अक्टूबर तक चांसेस हैं आपके यूपी टीजीटी का रिजल्ट आने के लिए। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि जिस तरह से पीजीटी में 4 या 5 F हर सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, तो हो सकता है टीजीटी में भी इस तरह से दिए हों। तो क्या, जैसा कि देखते होंगे थंबनेल, आप यूपी टीजीटी 2021 रोल ऑफ एफ इन योर मेरिट, आपकी मेरिट में जो एफ है वो उसका रोल क्या है, किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है। देखिए, कुछ का फ़ायदा होता है और कुछ का होता है नुकसान। जैसे अब आप ये देख लीजिए, एक कैंडिडेट है, उसके 90 क्वेश्चन करेक्ट हैं। ये कोई व्यक्ति है ए, और एक दूसरा व्यक्ति और है बी, उसके भी 90 क्वेश्चन करेक्ट हैं। दोनों के 90 क्वेश्चन करेक्ट हैं, लेकिन है क्या, जो व्यक्ति ए है इसके जो है 90 क्वेश्चन करेक्ट हैं इंक्लूडिंग एफ, एफ को जोड़कर, और इसके जो क्वेश्चन करेक्ट हैं एफ इसने नहीं जोड़ा है। मतलब इसके में एफ नहीं है। एफ का मतलब जब आंसर की आएगी पता चला 90 इसके थे, 90 इसके थे, तो जो एफ है इसके में 5 क्वेश्चन निकल गए एफ वाले, मतलब इसने वो भी जोड़ लिए थे जो आयोग, हो सकता है 5 क्वेश्चन जो एफ में डालेगा उस एफ को लगाकर इसके हैं 90, और इसके उस एफ को हटाकर 90 हैं। तो अब जिस व्यक्ति के 90 है उसे लगा कर आए एफ को, जब वो एफ को हटाएगा, ये हट जाएगा उसका, तो वो आ जाएगा कितने पर, 85 पर। तो जिस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन होता है 125 × 4, ये आपका टोटल है 500। तो इस तरह से जब क्वेश्चन 5 ये हट जाएंगे फॉल्ट वाले, तो 120 रह जाएंगे। उसी तरह से टोटल वही रहना, 100 मतलब 500 का, उसी तरह से क्वेश्चन का जो पॉइंट है मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, इसके 5 जो एफ 5 थे उन्हें लगाकर इसके 90 थे, उन्हें हटा दिया, 85 रह गए। लेकिन ये वाला था, इसने एफ को नहीं जोड़ा था, पता चला जब आंसर की आई तो 5 जो एफ थे इसने पहले जोड़े नहीं थे वो, और या इसने जो उसकी आंसर की आई थी तो उस पर इसको मतलब क्वेश्चन के आंसर या उसका फ़ायदा उसे पहले ही नहीं मिला था, पहले भी उसके लिए वो गलत थे और अब तो फॉल्ट है ही। तो ये अपने बरकरार 90 पर। तो ऐसा नहीं है कि इसका, जैसे कुछ कहते हैं कि इसका नुकसान है, लेकिन इस ये इसका कुछ नहीं है, मतलब ये सेम वैसा ही है, ना फ़ायदा नुकसान है। क्यों, फ़ायदा इसका है, इसका बहुत फ़ायदा है। अभी दोनों 90 पे थे, अब ये 90 पे है। अब सपोज दैट ये 90 पे नहीं होता, ये होता 92 पे, ये होता 90 पे। अब इसके जब फॉल्ट वाले 5 हम घटाते तो रह जाते कितने, 87, ये 87 रह जाते, ये तब भी 90 पे है। अब आप देखिए, 92 वाला पहुंच गया 87 पे, और 90 वाला बरकरार है, अपनी पोजीशन बनाए हुए है 90 पे ही। इस तरह से इसका फायदा है और इसका नुकसान है। तो क्या होता है, एफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हमारे साथ का एक बंदा था 2016 वाली यूपी टीजीटी इंग्लिश में, उसके जो पिछली साल 2016 में क्या हुआ था, 2016 में सभी जो एफ थे उनकी संख्या थी 6, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक व्यक्ति था, एक जो बंदा था, लड़का था, फ्रेंड था,
उसके जो है 81 क्वेश्चन करेक्ट थे एफ को हटाकर। अगर वो एफ को जोड़ता है, एफ जो थे 6 इन्हें जोड़ता है तो उसके थे 87। जब आंसर की पहली वाली आई थी उसमें एफ तो था नहीं कोई, तो वो 87 पर था। अब पता चला उसकी आंसर की आई, उसके जो उसने जोड़ लिए थे 6, अब वो 6 चले गया एफ, तो वो आ गया था 81 पर। इस तरह से आज वो वेटिंग लिस्ट में है, तो करीब पॉइंटों वो रह गया। अगर एक क्वेश्चन और सही होता तो उसका सिलेक्शन उसी समय हो जाता, तो हम कह सकते हैं उसका खेल बिगाड़ दिया एफ ने। तो कुछ लोगों के लिए तो एफ बहुत गुड रोल प्ले करता है, कुछ का तो उसमें फ़ायदा हो जाता है, कुछ का हो जाता है नुकसान। तो आज की वीडियो में बस मेरा बताने का ही मकसद था कि जो ऐफ होते हैं क्या इसका रोल होता है, किसका फ़ायदा होता है, किसका नुकसान होता है। वैसे तो ऐफ का जो झंझट ही बेकार है, जब आयोग को पता नहीं आंसर या जब पेपर बनाते हैं तो उन्हें पहले ही विचार कर लेना चाहिए कि आज का ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है। जरा सी अगर कोई अभ्यर्थी गलती कर दे कि गोला तुमने ठीक से नहीं किया, कि गोला ढंग से नहीं किया है या OMR गलत कर दी है, तब तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है, पता चला उसकी OMR चेक नहीं हुई। लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि आयोग ये करता क्या है। जब आयोग को खुद नहीं पता इसका आंसर क्या, तो हमें क्या पता, उसे वो खुद कन्फ्यूज है कि ए होगा बी होगा, तो उसने डाल दिया फॉल्ट में। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता था कि जो रोल ऑफ एफ है आपकी मेरिट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, कुछ का फ़ायदा हो जाता है, कुछ का हो जाता है नुकसान। तो ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।